इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन IBFF 2025 IBSA महिला ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन 2 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच केरल के वक्कानाड कोची में यूनाइटेड स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित किया जाएगा। यह भारत में पहली बार ब्लाइंड फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। IBFF के आयोजन का लोगो भी इस अवसर पर लॉन्च किया गया, जो कि साल भर चलने वाले प्रचार अभियान का हिस्सा होगा। यह टूर्नामेंट दुनिया भर से ब्लाइंड फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को एक साथ इस खेल के विकास और विस्तार के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह चैंपियनशिप इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जो भारत में इस पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कोशिश कर रहा है। इस अवसर पर नरेश सिंह नयाल, राष्ट्रीय टीम गोल गाइड, ने इस आयोजन पर कहा, महिला खिलाड़ियों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें हमारे समाज में पर्याप्त मौके नहीं मिलते हैं। मुझे उम्मीद है यह चैंपियनशिप हमें अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करेगी और भारत के हर गांव से लोग इसे देखेंगे, जिससे हमें और अधिक बेहतरीन खिलाड़ी मिलेंगे। इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के निर्देशक और कोच सुनील जे मैथ्यू ने भारत द्वारा IBSA महिला विश्व कप की मेजबानी की घोषणा करते हुए कहा, यह आयोजन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यदि सरकार और कॉरपोरेट जगत का समर्थन मिलता है तो भारतीय टीम एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और अधिक सफलताएं भी हासिल कर सकती है। हमारा मुख्य लक्ष्य 2028 लॉस एंजलिस पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करना है। निर्मा बेन, भारतीय महिला ब्लाइंड फुटबॉल टीम की कप्तान, ने कहा, मैं खेल में आई क्योंकि मेरे कुछ पुरुष ब्लाइंड फुटबॉल दोस्तों ने मुझे प्रेरित किया। मैंने कई देशों की यात्राएं की हैं और भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है, और यह सब ब्लाइंड फुटबॉल के कारण ही संभव हुआ है। मुझे घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। डेविड एक्सलोम, भारतीय ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन IBSA के मानद महासचिव, ने इस अवसर पर कहा, हम स्थानीय प्रायोजकों और स्वयंसेवकों के साथ सहयोग करने की उम्मीद करते हैं, ताकि यह आयोजन सफल और यादगार बने। यह चैंपियनशिप भारत में ब्लाइंड फुटबॉल के प्रोफाइल को बढ़ाने और भावी पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करने का वायदा करती है। 2025 में भारत IBSA पुरुष नेशंस कप और IBSA पुरुष एशियाई ओशनिया चैंपियनशिप डिवीजन 2 की भी मेजबानी करेगा, जो इस टूर्नामेंट के साथ ही आयोजित होंगे। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।